किसी भी सभ्य समाज का ये दायित्व है, जिम्मेवारी है, फर्ज है कि 70 वर्षों से जो शरणार्थी बनकर के अपने ही देश में रह रहे हैं उनकी कोई ना कोई व्यवस्था की चिंता करें। यदि 70 वर्ष ये लोग जो सत्ता में रहे, केंद्र में और प्रदेश में, ये चिंता नहीं कर सके, अब इनको ये चिंता है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे चिंता करने में सफल हो गई। और दूसरे वो एक्टिविस्ट हैं जो कश्मीर केंद्रित राजनीति करके अपनी राजनीति को जीवित रखने का प्रयास करते हैं। दोनों ही समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति कोई सेवा का कार्य न करते हुए एक नुकसान की गतिविधि में मुलव्विज हैं। लेकिन सबसे बड़ी संतोषजनक बात यह है कि आज की नई पीढ़ी, कश्मीर घाटी का युवा, वो इस सारे षड्यंत्र को, इस सारी दोहरी खेल को समझता है। और यही कारण है कि परीक्षाओं में, स्कूलों में, पाठशालाओं में 100% अटेंडेंस हो रही है। बच्चे स्वयं बाहर आकर के प्रदर्शन कर रहे हैं अलगाववाद के खिलाफ। परंतु कुछ एक तथाकथित मुख्य धारा वाले राजनीतिक, जिसे आप अंग्रेजी में मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस कहते हैं, वो अलगाववाद की भाषा बोल करके अपने आप को जीवित रखने का प्रयास करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसको बड़ी ज्यादा गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं। जब ये सत्ता में आते हैं तो ये यही वो लोग हैं जो इस बात की सौगंध खाते हैं कि कश्मीर अटूट अंग है जम्मू कश्मीर का, और जब ये सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो रातों रात इनको ज्ञान वृद्धि होती है और कश्मीर के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगते हैं।